Pomfrey, Chicky, and Dr. Harriet. Okay, we will discuss in detail all the character sketch. Now, it is time for question answer. First of all, we have to learn short questions and then after long. First question is, why is Mrs. Pomfrey worried about Chicky? वो चीकी को लेके वरी क्यों थी मिसेस पोम्फ्रे? आंसर, मिसेस पोम्फ्रे इज अ मिस्ट्रेस ऑफ चीकी, इज रियली वरीड अबाउट हर डॉग. ही हैज ग्रोन क्वाइट फैट एंड लिस्टलेस. ही हैज लॉस्ट इन हिज एपेटाइट. ही ऑफन वॉमिट्स एंड लाइज डाउन मोशनलेस ऑन द कारपेट. हिज आईज हैव बिकम ब्लड रेड एंड ड्यूपी. Naturally, Tricky's condition is a cause of deep concern for Mrs. Pomfrey. उसका पूरा जो Tricky का condition था वो explain किया क्या? That is why उसे tension हो रही थी. Next question, what does she do to help him? Is she wise in this? उसकी help करने के लिए, Tricky की help करने के लिए Mrs. Pomfrey क्या करती? Being a mistress of Tricky, Mrs. Pomfrey is naturally worried about the condition of the dog. She at once calls Dr. Harriet, telling him that Tricky has lost his appetite and is constantly vomiting. Though she goes on overfeeding the dog, her action is quite natural and expected. After all, Dr. Harriet is a famous veterinary surgeon and the dog is in his safe hand. उसका जो decision था वो right था doctor को call करने का. Third question है हमारा, who does I refer to in this story? I जो है letter, तो वो किसे refer करता है? और obviously writer है, वो writer भी है और डॉक्टर भी है. तो जहां जहां आए हैं मतलब राइटर खुद बोल रहे हैं कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. आंसर है, आई रिफर्स टू डॉक्टर जेम्स हैरियट, अ फेमस वेटरनरी सर्जन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नो इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस. नो जो है वो एक्स्ट्रा दिया गया है. एक्चुअली क्वेश्चन इज द नरेटर इज एज रिच एज ट्रिकी मिस्ट्रेस. ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस थी वो जितनी रिच थी उतना क्या अपने डॉक्टर जो है रिच थे? नो नो, द फेमस सर्जन डजंट सीम टू बी एज रिच एज ट्रिकी मिस्ट्रेस. वन लाइन आंसर है. ओके, नेक्स्ट है, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? वो डॉग को कैसे ट्रीट कर रहे थे? मिस डॉक्टर हैरियट रियलाइज दैट द ओनली फॉल्ट ऑफ ट्रिकी इज हिज ग्रीड फॉर फूड. ही सिंपली कांट रिफ्यूज एनी फूड. कौन? ट्रिकी. कांट रिफ्यूज, वो मना नहीं कर सकता. कोई भी आए बस चलेगा. सुबह दोपहर शाम बीच बीच में जहां भी उसे खाना मिल जाए तो वो मना नहीं करता था. डॉक्टर हैरियट कीप्स अ डॉग अंडर हिज ओन ऑब्जर्वेशन. ही डजंट गिव हिम एनी मेडिसिन फॉर टू डेज. ही गिव्स नो फूड टू हिम एक्सेप्ट प्लेंटी ऑफ वाटर. आफ्टर थ्री डेज ट्रिकी स्टार्ट डेवलपिंग साइंस ऑफ रिकवरी. विद इन अ फोर्टनाइट द डॉग इज कंप्लीटली क्योर्ड एंड हैंडेड ओवर टू हिज. जितना भी मन करे उतना ओवरइट कर लो, उसके बाद उसे हॉस्पिटलाइज कर दो 15 दिन में ठीक. मिसेस पोम्फ्रे के हाथ में कुछ भी नहीं, वो इतना ओवर टेम्पर करती है उसको. वो क्योर होने के बाद भी डेफिनेटली अगर आगे की स्टोरी होती तो ऐसा ही होता कि आफ्टर 30 डेज वो इतना ही मोटा हो गया फिर हॉस्पिटलाइज हो जाता. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाई इज द व्हाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन
एज परमानेंट गेस्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट पेशेंट है। डॉक्टर को ऐसा लालच क्यों हुआ कि निकी को परमानेंट गेस्ट बना लेते हैं? आंसर इज डॉक्टर जेम्स एलियट इज अटेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। मिसेस पॉम्फ्रे द मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी इज क्वाइट अ रिच एंड रिसोर्सफुल वुमन। द डेज ही स्पेंड्स इन ट्रिकी आर डेज ऑफ डीप कंटेंट। शी सेंड्स ऑल डेलिकेसीज एंड ड्रिंक्स फॉर ब्रेकफास्ट। फ्रेश एग्स, wine and brandy are served quite liberally, मतलब खुले हाथ से देना उतना भेजती थी वो ट्रिकी के लिए। Naturally, it is a temptation to keep ट्रिकी as a permanent guest. Next question है हमारा, why does Mrs. Pomfrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? उसे ऐसा क्यों लगता लगा उसने ऐसा ट्रिकी इज इन अ मिजरेबल कंडीशन। ही हैज बिकम ह्यूजली फैट, लूज हिज एपेटाइट, वॉमिट्स क्वाइट ऑफन एंड लेज मोशनलेस ऑन द कार्पेट। सीइंग सच अ डॉग इज नथिंग लेस देन अ मिरेकल फॉर द मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी। ऐसी हालत में ट्रिकी को बचाना ये एक चमत्कार से ज्यादा कुछ नहीं था उसके लिए, मिस्ट्रेस के लिए। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो हर चीज एक बहुत बड़ा मतलब जॉब था, बहुत टफ जॉब था। उसे एक्सरसाइज करवाना एक टफ जॉब, उसे स्वीट नहीं देना, उसके डाइट में स्वीट कट करना इज ऑल्सो अ टफ जॉब। कि वो इतने मतलब उसका फूडी है कि मैं उसे मना नहीं कर सकती, तो उसके लिए तो सब टफ जॉब था। क्वाइट ओपन एंड प्लीज मोशन प्लीज on the carpet, saving such a dog is nothing less than a miracle for the mistress of Tricky. Naturally, she gratefully thanks the doctor and calls his feat a triumph of surgery. Okay. अब जो है हमारे long question है, what kind of a person do you think the narrator, a veterinary surgeon, is? Would you say he is tactful as well as full of common sense? Dr. James Herriot is a famous veterinary surgeon. He is very sensible, practical, but genuinely concerned about Tricky. He is really worried at his miserable condition. He is tactful as well as full of common sense. He doesn't give him any medical treatment. He knows that the only fault of Tricky is his greed for food. So he gives him no food but plenty of water. And his tactfulness and common sense help in curing the dog. Next, do you think Tricky was happy to go home? What do you think will happen now? Answer है, Tricky was completely cured. He was now a totally transformed animal. He was flexible and hard muscle. Naturally, he was happy to go home. The moment he showed his mistress, he took a tremendous leap and sailed into her lap. Now he would run around the garden, joining the friendly barking of his fellow dogs. Third, जो हमारा मतलब next question है आप नंबर जो भी दो, do you think this is a real life episode or mere fiction or is it a mixture of both? आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ हुआ होगा या तो just imagination है या तो फिर both है? मुझे तो both लगता है कि कुछ कुछ imagine करके डाल दिया, कुछ कुछ fact होगा। देखते अ स्टोरी अ ट्रायंफ ऑफ सर्जरी सीम्स टू बी रियल लाइफ एपिसोड, इट डजंट लुक लाइक मेरी अ फिक्शन एपिसोड। देयर आर सच रिच लेडीज लाइक मिसेस पॉम्फ्रे हु आर सो मच डिवोटेड टू देयर पेट।
They pamper their pet dogs by overfeeding them and not giving them the necessary exercise. However, pampering Tricky with fresh eggs, wine and brandy seems rather a little exaggerated and even silly. थोड़ा सीली भी लगता है ब्रांडी और एग सब बेचना इतने सारे कोर्स इतने सारे में नाइट में डे में क्या है सब तो सीली तो है पर रियल लाइफ में जो रिचर्ड्स लेवी हुआ करती है वो ऐसी होती होगी ओके नेक्स्ट जो हमारा है दिस एपिसोड डिस्क्राइब द सीली बिहेवियर ऑफ अ रिच वुमन हु इज फुलिशली indulgent perhaps because she is lonely do you think such people are very silly or can their actions cause harm to others definitely yes overcare karo over pamper karo aap akele ho to aapko saathi chahiye to koi pet ya kuch is tarah se uska itna over me ho jayega to kya hoga aisa does to tricky na aisa to hua tricky ke saath Mrs. Pomfrey seems to be a lonely woman. ऐसा लग रहा है कि Pomfrey जो है वो lonely woman है. It is quite natural that she should keep a pet dog. She treats Tricky as a mother treats her child. But her overindulgence looks silly and exaggerated. Her silly overindulgence hurts the dog. His greed for food and Mrs. Pomfrey's liberal supplies of delicacies makes him usually fat. He loses appetite and vomits quite often. Okay. एक जो क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट है What would you have done if you were in narrator's place? आप क्या करते अगर आप नरेटर की जगह पे होते तो इफ आई हैड बीन इन नरेटर्स प्लेस आई वुड हैव बिहेव्ड इन द सेम वे एज ही हैड डन हम अगर डॉक्टर होते तो हम भी यही करते अगर मतलब नॉलेजेबल डॉक्टर होते तो थोड़ा कम नॉलेज होता तो दवाई इंजेक्शन लगाते बट ये बहुत ही मतलब फुल ऑफ नॉलेज है जो डॉक्टर के पास उसके जॉब रिलेटेड उसका जो नॉलेज है ना वो परफेक्ट है उसे पता है कि क्या हुआ उसे क्योर किस तरह से करना है कोई मेडिसिन नहीं कोई इंजेक्शन नहीं कुछ भी नहीं नेचुरल वे में ठीक को ठीक करते हम होते तो हम वही प्रीफर करते आई वुड हैव रियलाइज इन दैट इट इज मेन फॉल्ट हैड बीन हिज ग्रीड फॉर फूड नॉट गिविंग हिम एनी सॉलिड फूड फॉर अ फ्यू डेज एंड गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज वुड हैव ब्रॉट हिम proper shape and I would have thus transformed him into a flexible and hard muscle matlab aisa nahi karte like that okay ek aur question do you think there are also parents like Mrs. Pomfrey aapko lagta hai kaise parents hai okay hame ye lagta hai uska sabse bada proof kya hai pata humne bahut aise chote chote mote bacche dekhe hain छोटे बच्चे अगर ओवरवेट है दैट मींस उनके पेरेंट्स जो है इक्वल टू मिसेस पॉम्फ्रे क्यों बच्चों को भी केक कोल्ड ड्रिंक जंक फूड एंड स्वीट बहुत पसंद होता है आइसक्रीम नेचुरल है चॉकलेट आइसक्रीम केक तो इतना कॉमन है ना कि सबको अच्छा लगता है बड़े हो या छोटे हो कुछ भी बड़े होते हैं थोड़ा सा वो करते हैं कंट्रोल बच्चों को क्या है बच्चों को तो जितना कम लगता है जब भी भूख लगती है सब चॉकलेट ही खाना होता है रोटी सब्जी का तो वही चीजें मिसेस पॉम्फ्रे जैसे जो पेरेंट्स होते हैं उनके ही बच्चे मोटे या तो फिर हेरिडिटी कोई डिसीज है इट इज डिफरेंट है ना एक्सेप्शनल केस जो है एक्सेप्शनल इट इज डिफरेंट थिंग उसे अलग कर दो बाकी जनरल जो है 98% बच्चे अगर ओवरवेट है तो बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं है ओवर पैम्पर्ड है मिसेस पॉम्फ्रे है सो उनके बच्चे ऐसे हैं ओके तो पूछ रहे हैं कि डू यू थिंक देयर आर आल्सो पेरेंट्स लाइक मिसेस पॉम्फ्रे आंसर है यस देयर आर पेरेंट्स लाइक मिसेस पॉम्फ्रे देयर इज
jewelers. Okay, this is all about question answer. मुझे अभी ये लग रहा है जैसे ड्रिंकी ओवरवेट है ना, ऐसे ही हमारा जो ये लेसन है वो भी ओवरवेट हमने कंप्लीट किया. एटलीस्ट 5 लेक्चर 6 लेक्चर इसमें लगे. एक्सप्लेनेशन ही इतना था कि 3 लेक्चर तो हमने चले गए और बाकी के 3 जो है वो तो आपको एग्जाम रिलेटेड मुझे प्रिपेयर करवाना है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड अबाउट ऑथर, थीम ऑफ द स्टोरी, मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी, देन कैरेक्टर स्केच ऑफ पॉम्फ्रे डॉग डॉक्टर एंड एट लास्ट वी हैव फिनिश्ड आवर क्वेश्चन आंसर लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट. ओके, दिस इज ऑल.